वो खतरनाक चीज़ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं आपको, तो ये है दोस्तों खाद बनाने वाले कीड़े। ये देख लो आप, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आ जा बाहर आ जा। तो ये देखो दोस्तों, ये होते हैं कुछ इस तरीके के कीड़े, ये खाद बनाते हैं। और इसका जो खाद होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैंने इसको जो है ना, एक दो दिन पहले भर के रखा था यहाँ पर खुड़ में, और इन लोगों ने जो है ना कट्टा ही फाड़ दिया है पूरा बाहर निकलने के लिए, और सारे कीड़े यहीं पर ही जमा हो गए। ये देख लो, और इसके जो है कि दो भाई यहाँ नीचे भी है, एक यहाँ है और एक ही हमारे हाथ में है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको इसी में लगाते हैं, खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है ये कीड़ा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीपू नेगी के नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आज है 11 नवंबर और मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया व्लॉग लेके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो दोस्तों, आजकल यहाँ पर किन्नौर में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो सुबह सुबह ऐसे मोटे मोटे जैकेट पहन के निकलना पड़ता है। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि पहाड़ों में रहते हैं तो सवेरे मॉर्निंग में बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पानी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है कि मॉर्निंग में ही आता है। तो जल्दी से अपनी जो टंकी है उसको भर देते हैं। दोस्तों टंकी में तो बहुत है पानी, तो इसको रहने ही देते हैं। और अभी हमारा काम है कि हमें नीचे जाना है खुड़ में, वहाँ से गोबर लाना है। मैं 6-7 कट्टे पहले ला चुका हूँ और बाकी के 6 कट्टे अभी और बचे हैं वहाँ पर, तो उसको हम मम्मी और मैं मिलकर ढोएंगे। तो चलिए। तो ये जो आप लोग बेल देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बिना इफ़ेक्ट की वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैं नेचुरल वीडियो बना रहा हूँ। और ये देख लो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है ये बेल। ऐसा इफ़ेक्ट लगाने के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरली है। और वहाँ नीचे काफ़ी सारे फूल लगे हैं घर के पास। और ये देखो पानी भी आ रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब गोबर ढोने। यहाँ पर मम्मी ने रस्सी ला दिया है दोनों के लिए। और चलिए। तो ये देख लो दोस्तों, ये है कुछ 10-12 कट्टे हैं। ये मैंने 4-5 दिन पहले लाया था यहाँ तक, और अभी 6 कट्टे कुछ बचते हैं, तो उसको भी अभी ला देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैंने फ़ोन पकड़ा है ना हाथ में, तो मेरे हाथ जाम हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है हाथ पे। इस खुड के 10-12 कट्टे गोबर के, वो तो मैंने पहले ही पहुँचा दिए थे। और अभी यहाँ पर है इस साइड वाले खुड़ का गोबर बचता है, ये देख लो आप लोग, इसमें 5-6 कट्टे हैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा भारी है। तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर भोजा बनाने का, और यहाँ पर मम्मी लग चुकी है भोजा बनाने। तो ऐसा कुछ टेक्निक होता है भोजा बनाने का। और अभी मैं इसके बाद आपको ना एक बड़ा ही खतरनाक सा चीज़ दिखाऊंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे वो देख के। तो दोस्तों, ये है वो ख़तरनाक चीज़ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं आपको, तो ये है दोस्तों खाद बनाने वाले कीड़े। ये देख लो आप, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आ जा बाहर आ जा। तो ये देखो दोस्तों, ये होते हैं कुछ इस तरीके के कीड़े, ये खाद बनाते हैं। और इसका जो खाद होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैंने इसको जो है ना, एक दो दिन पहले भर के रखा था यहाँ पर खुड़ में, और इन लोगों ने जो है ना कट्टा ही फाड़ दिया है पूरा बाहर निकलने के लिए, और सारे कीड़े यहीं पर ही जमा हो गए। ये देख लो, और इसके जो है कि दो भाई यहाँ नीचे भी है, एक यहाँ है
और एक ही हमारे हाथ में है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको इसी में लगाते हैं, खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है ये कीड़ा। अभी मम्मी ने मेरा भोजा बना के रेडी कर दिया है, अब मैं इसको चखता हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों मैं अपना भोजा लेके आ चुका हूँ, ये देख लो, हाथ भी ऊपर नहीं कर सकता, आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि भोजा चखा है। अब इसको जल्दी से ले चलते हैं और पहुँचाते हैं इसके न्यू लोकेशन के पास। तो फाइनली मैंने अपना पहला कट्टा तो पहुंचा दिया है और मम्मी भी आ रहे हैं लेके भोजा। तो मम्मी कैसा लग रहा है, कितना भारी है? सूखा है, ज़्यादा भारी नहीं है। ज़्यादा भारी नहीं है, मेरे को तो बहुत भारी लगा। ये रोड में चलने को तो ठीक है, लेकिन जब इसके साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ले आते हैं दूसरा कट्टा, ज़्यादा चक्कर नहीं लगने वाला है, सिर्फ 3 चक्कर लगेगा हमारा। क्यों मम्मी? 3 चक्कर में ख़त्म। अभी हाथ मुँह भी नहीं धोया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। यहाँ पर पहाड़ों में ऐसे ही काम करना पड़ता है मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि धूप आने के बाद काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा घर है किन्नौर में, यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं रहते गर्मियों के टाइम पे, तो उस टाइम यहाँ पर देख लो आप लोग खुड़ के छत का क्या हाल हो चुका है। इसके ऊपर गाय चढ़ी थी और वो इसी में ही घुस गई थी अंदर, तो अभी इसका भी काम करना है, बहुत सारा काम है। अभी सर्दियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो दोस्तों फाइनली अभी सारा गोबर ला के यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, अब चलते हैं ऊपर घर में और चाय वगैरह पी लेते हैं। रस्सी को रख देते इधर, धूप भी पहुंचने वाली है, हाथ भी जाम हो चुके हैं, थोड़ी देर तो हीटर सेकना पड़ेगा धूप आते तक। चले फिर मम्मी, चाय तो पिला दो। ये पैर की जो अंगुलियां है ना आगे की, ये बहुत जाम हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है इसमें, और ये हाथ का भी यही सिस्टम है। थोड़ी देर हीटर सेकता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी धूप लग गई है और अब थोड़ा ठंड कम लग रहा है, क्योंकि सुबह शाम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और वहाँ पर नीचे मम्मी खरगोश के लिए घास निकाल रहे हैं, तो मम्मी मैं भी आऊँ खरगोश देखने? आप लोग भी बहुत दिन से नहीं मिले होने खरगोश से, आप लोगों को भी मिला देता हूँ। हेलो ले टिक 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 लो।